मॉर्निंग बच्चों, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, सर्कल्स चैप्टर के एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स स्टैंडर्ड 10th के एक्सरसाइज को देखेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने सर्कल्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया था, है ना। तो अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। बेसिक कॉन्सेप्ट भी हो चुके हैं, फॉर्मूलाज भी हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे आप इसके पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आ जाते हैं आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 में। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले ये समझते हैं। जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए तब तक हम मैथ्स नहीं बना सकते। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज ए सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को यह देखना है कि क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ना, क्या गिवन चीज है। तो ये रहा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको गिवन चीज को लिखना है हमें, है ना। सबसे पहले गिवन चीज को लिख लेते हैं हम लोग, ताकि हमें किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सारा चीज हमारे आंखों के सामने रहे। तो यहां पे दिया गया है कि दो सर्कल्स हैं, एक का रेडियस 19 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस 9 सेंटीमीटर है। कहता है तीसरा सर्कल बनाया जाए जिसका सर्कमफेरेंस इन दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर हो। तो सपोज करते हैं कि एक सर्कल ऐसा है जिसका रेडियस कितना है, जो कि 9 सेंटीमीटर का है। दूसरा सर्कल ऐसा है जिसका रेडियस कितना है, 19 सेंटीमीटर का है। तो अब कहा जा रहा है कि तीसरा सर्कल आप बनाइए कि जिसका सर्कमफेरेंस वो कितना हो, इन दोनों के सर्कमफेरेंस के सम के बराबर हो। देन हमारे पास यहां क्या मिला हुआ है, लेट हम लोग मान लेते हैं कि ये जो पहला सर्कल है, सो लेट रेडियस 1 इज इक्वल टू हाउ मच, 19 सेंटीमीटर। आर 2 रेडियस नंबर 2 दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। देन R1 है 19 सेंटीमीटर, R2 है 9 सेंटीमीटर। तो फिर इसके हिसाब से हमारे लिए C1 कितना हो जाएगा, सर्कमफेरेंस 1 कितना हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई R, है ना। तो यहां पे रेडियस की जगह पे क्या है, R1 है, सो 2 पाई R1, ओके। दूसरा यहां पे क्या है, R2 सेंटीमीटर, R2 है। तो हम लोगों के पास ये जो सर्कमफेरेंस नंबर 2 आएगा, दूसरा सर्कमफेरेंस वो कितना आएगा, दैट इज 2 पाई R2, ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आपको क्या होना चाहिए, जो सर्कमफेरेंस तीसरे का निकलना चाहिए, दैट इज C3 मस्ट बी इक्वल टू C1 प्लस C2, ओके। तो इसके लिए भी अब इसका रेडियस निकालना है हम लोगों को। So let the radius of third circle, let radius of third circle be R3. हम लोगों ने मान लिया कि ये जो रेडियस है तीसरे सर्कल का वो कितना है, दैट इज R3, ठीक है, वो R3 है। तो अब हमारे पास ये सर्कमफेरेंस जब C3 होगा वो कितना होगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई R3 इज इक्वल टू C1, C1 का वैल्यू क्या था, 2 पाई R1 प्लस C2 दैट इज 2 पाई R2, है ना। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 पाई यहां भी है, 2 पाई यहां भी है, तो कॉमन ले सकते हैं। सो टेक 2 पाई एज कॉमन। अब R1 का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, R1 कितना है, दैट इज 19 सेंटीमीटर, प्लस R2 कितना है, दैट इज 9 सेंटीमीटर, ओके। और ये वैल्यू कितना आ रहा है, 2 पाई R3। अब बच्चों देखिए कितनी आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं, यहां पर भी है ना 2 पाई, यहां पर भी है 2 पाई, सो 2 पाई एंड 2 पाई गेट्स कैंसिल्ड एंड देयरफॉर हमारा रेडियस नंबर 3 जो है वो कितना हो जाता है, दैट इज 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर इज द आंसर। अब इसी चीज को अगर हम लोग क्या करते, पहले इसको सॉल्व करते, 2 इंटू पाई का वैल्यू लेते कुछ 22/7, फिर कुछ लेते हम लोग रेडियस जो दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते, तो ये सब काम से बचना चाहिए हम लोगों को जब हम स्टैंडर्ड 10th में आ जाते हैं।
तो हमें अच्छे से हमारा जो सॉल्व करने का तरीका है उसे कितना शॉर्ट रखा जाए इस बात पर विचार करना चाहिए, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, जो क्वेश्चन है बस डायरेक्टली उसको अप्लाई किया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि रेडियस 19 सेंटीमीटर पहला, दूसरा रेडियस 9 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, सर्कमफेरेंस 1 क्या हो जाएगा 2πr1, सर्कमफेरेंस 2 इज 2πr2। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट सर्कमफेरेंस नंबर 3 जो तीसरा सर्कल बनेगा उसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, दोनों के सर्कमफेरेंस के बराबर होगा, सम के बराबर होगा। देन c1 + c2, अब बस तीनों का वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो अपने आप चूंकि सभी एक ही प्रकार के एंटिटी हैं, क्या है, ये भी सर्कमफेरेंस, ये भी सर्कमफेरेंस, ये भी सर्कमफेरेंस, तो इसलिए कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आएगा। इसलिए हमेशा सर्कल चैप्टर में क्या करेंगे कि सॉल्व करने की कोशिश जो है वो लास्ट में करेंगे, है ना। हर स्टेप पे हम लोग मल्टीप्लाई डिविजन ये सब नहीं करेंगे। तो ये था हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके आइए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। ओके तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, आइए क्वेश्चन को पहले देखते हैं। सबसे पहली क्वालिटी जो एक मैथ साइंस स्टूडेंट की होती है वो क्या होता है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से वही क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। मतलब अब कहा जा रहा है कि दो सर्कल है हमारे पास, एक का रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो कहा जा रहा है तीसरा सर्कल जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के बराबर हो उसका रेडियस कितना होगा, ये हम लोगों को निकालना है, है ना। दिस मीन्स ये हम लोगों को तीसरा सर्कल निकालना है जो कि जिसका नाम क्या होगा C3, और हमें निकालना क्या है, फिर से वही रेडियस नंबर 3। ओके तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग गिवन चीज को लिख लेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया कि दो सर्कल अभी प्रेजेंट हैं, एक का रेडियस 8 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस 6 सेंटीमीटर, तीसरा जो सर्कल होगा उसका एरिया इन दोनों के एरिया के बराबर होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्या करना है, गिवन चीज को पहले लिख लेना है ना। देन गिवन क्या है हमारे पास, गिवन हमारे पास है लेट R1, मान लिया गया R1 जो है वो कितना है 8 सेंटीमीटर है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है ना, तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल दैट इज पाई R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ठीक इसी तरह से R2 कितना दिया हुआ है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल, एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल कितना हो जाएगा, दैट इज पाई ऑफ R2 का होल स्क्वायर। तो हम लोगों को निकालने को दिया गया है तीसरे नंबर सर्कल का रेडियस। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल बी R3, मान लिया गया वो R3 है ना। तो एरिया नंबर 3 जो होगा वो कितना होगा, एरिया नंबर 3 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल दैट इज पाई R1 का होल स्क्वायर प्लस पाई R2 का होल स्क्वायर। अब चूंकि हम लोगों को इसका एरिया मालूम तो नहीं है, तो हम लोगों ने इसका रेडियस कितना माना है, R3 माना है। देन एरिया नंबर 3 थर्ड सर्कल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू पाई R3 का होल स्क्वायर होगा। ओके पाई R2, तो R की जगह पे हमने क्या माना है, दैट इज R3, सो पाई R3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पाई R1 कितना था 8 सेंटीमीटर, सो 8 का स्क्वायर प्लस R2 कितना था हमारे पास, दैट इज 6। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब देख सकते हैं हम लोग पाई 6 का होल स्क्वायर। ठीक है तो अब हम लोग देख सकते हैं यहां पर भी पाई पाई कॉमन है। ठीक है तो हम लोगों ने क्या किया, पाई को यहां फिर से हमने कॉमन ले लिया। ठीक है पाई को कॉमन लेने पर ये कितना आता है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, दैट इज 36। ओके सो दिस वन इज पाई R3 होल स्क्वायर। नाउ यू कैन सी, अब हम देख सकते हैं यहां पर भी पाई R3 का स्क्वायर है और पाई इनटू समथिंग है ना। तो ये पाई और ये पाई दोनों ही कॉमन होने की वजह से, दोनों दोनों तरफ पाई होने की वजह से ये कैंसिल हो जाता है।
अब हमारे पास क्या बचता है, दैट आर थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 64 प्लस 36 दैट इज 100, 63 प्लस 64 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 100। तो आप देखते हैं ये कितना है, ये R3 तो नहीं है, ये R3 का स्क्वायर है ना। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को निकालना है किसका वैल्यू, R3 का वैल्यू निकालना है, ना कि R3 स्क्वायर का। ओके, तो R3 स्क्वायर क्या हो जाता है, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, R3 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 को लिखा जा सकता है ना 10 का स्क्वायर। ओके, 10 का स्क्वायर लेते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग चाहें तो ये दोनों तरफ में अगर स्क्वायर रूट लगा दें तो ये क्या बन जाता है, दैट इज आर थ्री इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि आसानी से हम लोगों को तीसरा रेडियस फिर से मिल गया, वो कितना है 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आपको सॉल्व जो है वो कहां पे करना है, वो लास्ट जगह पे हम लोगों को, लास्ट स्टेप में हमें सॉल्व करना है। तो क्या मिल रहा है आपको क्वेश्चन एक बार फिर से, पहले रेडियस दिया गया था 8 सेंटीमीटर, पहला सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर वन का होल स्क्वायर, है ना। वहीं पे दूसरा जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर टू का होल स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक तीसरा सर्कल बनना है जिसका एरिया इन दोनों के एरिया के बराबर हो, तो उसका रेडियस हमने मान लिया आर थ्री, है ना। तो आर थ्री अगर रेडियस हो तो उसका एरिया, एरिया नंबर थ्री दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट एरिया प्लस सेकेंड एरिया। ओके, सो पाई आर वन का होल स्क्वायर प्लस पाई आर टू का होल स्क्वायर, इन दोनों जगह पे पाई है ना, तो पाई कॉमन आ जाता है यहाँ पर, और हम देख सकते हैं पाई आर थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, और इसे हमने कॉमन निकाल दिया था अंदर, 8 का स्क्वायर 64 एंड 6 का स्क्वायर 36, सो पाई पाई गेट्स कैंसिल्ड। अब हमारे पास क्या बचता है, आर थ्री का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100, पर हमें क्या निकालना था, रेडियस नंबर थ्री निकालना था। सो जब भी स्क्वायर, जब दोनों तरफ स्क्वायर हम अप्लाई कर सकते हैं, देन अप्लाई स्क्वायर रूट ओवर बोथ द साइड्स, दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट अप्लाई किया जाए तो हमें क्या मिल जाता है कि रेडियस नंबर थ्री जो तीसरा सर्कल बनेगा उसका रेडियस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, और उस सर्कल का एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसी तरह से हम लोग बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन को सर्कल्स का बनाएंगे, तो आप लोग इसके लिए वीडियोस को देखते रहें और अच्छे से अच्छा आसान से आसान ट्रिक आपको बताई जाएगी कि किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। टिल देन वॉच दिस वीडियोस, थैंक यू।